Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimaru Movies. अभी आया यही रुको जरा जल्दी आई हो हमरे धंधे में साहब ओ बाबूजी बिना पूछे कहां घुस जाते हैं सेठ जी को मिलने ई बात ठीक है हमका घास चल बैठे हां हमार कोई वैल्यू नहीं हां तुम्हारा नाम सुखदेव सेठ जी कोई सुखदेव नाम का आदमी आपसे मिले चाहता है उसको बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है कल ऑफिस में मिले सेठ के पास टाइम नहीं कल मिलियो ऑफिस में सेठ जी हां सुखदेव बहुत इंपॉर्टेंट काम है अभी मिलना चाहता हूं ऐसी चीज दिखाऊंगा तंग रह जाएंगे आप अच्छा ठीक है आ जाओ हां ये लो अरे साहब अरे कहां हो भैया मौज में तो हवे ना बस ऊपर वाले की दुआ हो अपन सुनाओ कौन जिला पड़ी भैया हमार तो इलाहाबाद हवे तब तो भैया तुम हमार पड़ोसी ठहरे हमार अयोध्या हवे अच्छा हां यही खुशी में मिलावा हाथ लाओ बीड़ी हम तो सिगरेट पीते हैं हम वो सिगरेट पी लेंगे 25 है कुछ तो रखा करो फोकट की पीते हो यार थैंक यू वाह मजा आई गवा अरे फोकट की पियोगे तो मजा तो औबे करेगा अरे ये 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 लो भाई तुम्हारा इनाम चल भाई अब उनको फटाफट पहुंचा दे तेरे को भी इनाम मिलेगा चल फटाफट पता है सब को जहां में दौलत की प्यास
गुड मैन की लालटेन और बैड मैन का दिया, कर दिया ना सेठ का खून? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। अरे वो तो हमें दिख ही रहा है एचपी नंदा। हाजिर काम का बंदा। तो लगाए से हथकड़ी। रवि, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा? हेलो, मैं डिटेक्टिव शर्मा बोल रहा हूँ। तुम्हारी महबूबा ने सेठ रंजीत राय का खून कर दिया। क्या? हमारे मैगजीन के लिए ये एक रोमांचकारी कहानी बन सकती है। तुम फौरन मौका है वारदात पर जाओ, पूरी जानकारी और फोटोग्राफ लो। ये एक कॉल गले करोड़पति का। एक बार फिर। नहीं नहीं बस। कम ऑन वंस मोर, थैंक यू। छट दे से बली लोहा सिंह के लिए, छट चकू, ले जाओ इस बैडमैन के दिए को। तुम ठीक तो हो ना? आप वो गुंडे इन्हें छेड़ रहे थे। आप दोनों को बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू सर, आपने कंप्लेंट लिख ली मेरे दोस्त की। सो गुड एंड सो नाइस ऑफ यू। छोड़ दिया जल्दी, सो नाइस ऑफ यू। असमुक जी, तुम रुको जी। कोई 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 काम था जी? कुछ क्या बात है माँ, तुम लोग इस तरह चुप क्यों हो गए? क्यों रे असमुक, बात क्या है? अरे बताना। मैं बताती हूँ, राधा के साथ तेरी शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? ये तुम क्या कह रही हो माँ? कल तक तो राधा तुम्हारी नजरों में देवी थी, आज क्या हो गया? पूरे चेहरे के पीछे इतना कड़वा सच छुपा है, ये मुझे नहीं पता था। कल तक वो क्या थी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझसे शादी करने के बाद वो एक कॉल गर्ल नहीं, इस घर की बहू कहलाएगी, मिसेस राकेश कहलाएगी। वो अगर इस घर की बहू बन गई तो तेरी बहन का क्या होगा? कभी सोचा है कौन थामेगा इसका हाथ? ये न भूल, हम जिस समाज में रहते हैं उसके अपने कुछ उसूल भी होते हैं। लेकिन माँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। ये तो अच्छा हुआ कि हसमुख ने उसकी असलियत बता दी। हसमुख, तूने ये आग क्यों लगाई? हसमुख, राकेश, आप लोग एक बात सुन लीजिए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ राधा से। आओ, देखो ये फ्लैट तुम्हारे लिए, यहां जिंदगी की हर चीज का बंदोबस्त किया गया है, तुम्हारी खुशी के लिए हर चीज मुहैया है यहां। रंजीत बाबू, लाश को तो सिर्फ जलना होता है,
लकड़ी बबूल की हो या चंदन की, क्या फर्क पड़ता है? मैंने कुछ गलत कह दिया? तुमने सच कहा, बिल्कुल सच कह रहा था, लेकिन ये सच्चाई कड़वी है और इसके पहले एक पूरी जिंदगी है जो बिना प्यार और मोहब्बत के जी नहीं जा सकती। और आप क्या समझते हैं, आपको मुझसे प्यार मिलेगा? जी नहीं, मैं भी इन चीजों की तरह एक खरीदी हुई चीज हूँ जो सिर्फ आपकी जरूरत के लिए यहाँ आई है और जिसकी आपने कीमत दी है। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। राधा, मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगा हूं। लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती। जब तक आप मुझे रुपए देते रहेंगे, आपकी लौंडी बनकर यहां रहूंगी। इंटरव्यू लेने आए हो मेरा? यहाँ कोई पत्रकार किसी का इंटरव्यू लेने नहीं आया, राकेश अपनी राधा से मिलने आया है। मर गई वो राधा, उसका नाम भी कभी अपने ज़बान पर मत लाना। उसने उसने तुम्हें धोखा दिया है, वो ना कभी तुम्हारे काबिल थी और ना है। प्लीज राधा, मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात गौर से सुनो, जो एक बार किसी को धोखा दे उससे कोई आशा नहीं रखते। धूल का स्थान पांव के नीचे होता है, उसे माथे का चंदन नहीं बनाते। पांव के नीचे तो कभी कभी फूल भी आ जाते हैं, और फिर तुम तो मेरी देवी हो, मेरी तपस्या हो तुम। तुम्हारी खामोशी इस बात की गवाह है कि तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना मैं तुम्हें प्यार करता हूं। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। तुम अपने आंसुओं से सच को झूठ नहीं बना सकती राधा। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके लिए तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक किया? प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और अपना घर बसा लो। जिस घर में राधा नहीं, वो घर मेरा नहीं हो सकता। तुम फिक्र मत करो राधा, दुनिया का कोई भी कानून मेरी राधा को मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए शहर के सबसे बड़े वकील को खड़ा करूंगा। क्यों? मेरा भरोसा कीजिए डीके साहब, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने आप को बेचकर आपकी फीस चुका दूंगा। प्लीज डीके साहब, मेरी राधा को बचा लीजिए। मिस्टर राकेश, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए किए जाते हैं, पैसे के लिए नहीं। अच्छा ये बताओ कि इस खून के मामले में तुम्हें किसी पर शक है? नहीं सर। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये खून राधा ने नहीं किया? मेरा दिल कहता है सर, मेरा दिल कहता है। आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है जानते हो? जिससे वो प्यार करता है उसकी हर बात पे यकीन करता है, दिल की बात मानता है और दिमाग से सोचता नहीं। खैर घबराओ नहीं, अगर राधा ने खून नहीं किया है तो मैं उसे बचा लूंगा, और अगर उसने ये खून किया भी है तो मैं उसे फांसी की सजा नहीं होने दूंगा। सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना तो टीके के बाएं हाथ का खेल है। योर ऑनर, इस औरत के मासूम चेहरे पे मत जाइए, ये समाज पर एक धब्बा है, सोसाइटी पर एक दाग। इसकी नजरों में रिश्ते नाते, प्यार मोहब्बत सिर्फ लफ्ज हैं, तकोसला है। इसने शहर के मशहूर बिजनेसमैन और इज्जतदार शहरी मिस्टर रंजीत राय को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और एक दिन जब मिस्टर रंजीत राय को मालूम हुआ कि उनके साथ रहते हुए भी इसके ताल्लुकात किसी और के साथ हैं, उन्होंने इसे घर से बाहर निकालना चाहा। गुस्से में आकर इसने मिस्टर रंजीत राय का खून कर दिया। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस औरत को फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहिए। मिलॉर्ड, अदालत को क्या करना चाहिए यह बताने से पहले मैं अपने फाजिल दोस्त से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे मुवक्किल को खूनी साबित करने के लिए अदालत में कोई सबूत तो पेश करे। मैं वही करने जा रहा हूं मिलॉर्ड,
मेरे पास ऐसे गवाह हैं जिनके बयान से यह मामला थोड़ी देर में शीशे की तरह साफ हो जाएगा। मेरा पहला गवाह है इंस्पेक्टर लोहा सिंह। यार ये औरत खून कर सकती है, वो यकीन नहीं कर सकता। अबे चुप, ऐसी औरत कुछ भी कर सकती है। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर लोहा सिंह, मौकाए वारदात पर आपने क्या देखा? अदालत को सच्चाई की जानकारी दीजिए। जी हाँ जज साहब, जब मैं मौकाए वारदात पर पहुंचा तो रानी हाथ में खून से सना चाकू लिए सेठ रंजीत राय की लाश के पास बैठी थी। हमने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया। और जब आपने इसे गिरफ्तार किया तो कुछ कह रही थी? जी हाँ, ये बार बार किसी रवि का नाम ले रही थी और कह रही थी, रवि अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हारा क्या होगा। रवि के बारे में इसने कुछ और कहा? जी नहीं, ये रवि के बारे में कुछ भी बताने से इनकार करती रही। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन योर ऑनर। मेरा अगला गवाह है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिस्टर जोशी। जिस चाकू से कत्ल हुआ उस चाकू पर किसके उंगलियों के निशान पाए गए? रानी की उंगलियों के निशान। आपका मतलब ये मुलजमा जो सामने कटघरे में खड़ी है? जी हाँ। थैंक यू। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन। कमाल है, आज कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह उस बिल्डिंग का लिफ्ट मैन दिलावर सिंह। रानी ने बयान दिया है कि जिस रात मिस्टर रंजीत राय का खून हुआ था उस रात 12 बजे ये दवा लेने गई थी। क्या आपने मुलजिमा को लिफ्ट से उतरते हुए देखा? अरे वकील साहब, हाय, सामने से कोई हंसी गुजरे और हम ना देखे तो हम पे थू थू है। बस बस ठीक है, बंद करो ये शेर व शायरी और सवाल का सही सही जवाब दो। गुस्ताखी माफ करें हुजूर, बंदे के खून में रस बस गई है मुई शायरी सरकार। मैंने पूछा है कि तुमने मुलजिमा को लिफ्ट से उतरते हुए देखा या सीढ़ियों से? हुजूर, ना मैंने इनको लिफ्ट से उतरते देखा ना मैंने इन्हें सीढ़ियों से उतरते देखा। अपना तो ये हाल है हुजूर कि बनाकर लिफ्ट मैन का भेस गालिब। तमाशा है ले अदालत देखते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, सीधी तरह जवाब दो वरना अंदर कर दिए जाओगे। हुजूर ये झूठ बोल रही है, मैं उस वक्त ड्यूटी पर था हुजूर। पहले मैंने सेठ जी को लिफ्ट से ऊपर पहुंचाया, उसके बाद मैंने इंस्पेक्टर साहब को सर ऊपर पहुंचाया। मुझे क्या पता था कि हमेशा के लिए सेठ जी को ऊपर पहुंचा देंगे हुजूर। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन योर ऑनर। मेरी अगली गवाह है मोनिका गुंजालविस। अब देखो ना साहब, इतना बड़ा सेठ मिला इसको लेकिन बहुत गुस्से वाली है। उस दिन अपन को पार्टी पर बुलाया। अरे इसको क्या हो गया, तू तो बिल्कुल चुप रह रही। ऐसे ऐसे मौके पर खामोशी अच्छी नहीं होती। राधा तुम्हारा खत है, ये लो। जरा हम ही तो देखें किसने लिखा है खत आपको। खबरदार, अगर मेरा खत पढ़ा तो खून कर दूंगी मैं। रिलैक्स, कूल डाउन। इतनी अटके सोच में है कि किसी का खत खोल के नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ये लो अपना खत। उनके सामने सेठ रंजीत राय को चाकू मारने का धमकी दिया। Point to be noted, Your Honor. Your witness, please. No question. आज क्या हो गया डीके को? क्रॉस एग्जामिनेशन कर ही नहीं रहा। लगता है ये रानी को मरवाएगा। अरे भाई ये डीके है डीके। आज तक ये कोई केस नहीं हारा। चुप है तो चुप है, जब बोलेगा तो सबकी छुट्टी कर देगा। Your Honor, अब मेरा सबसे बड़ा गवाह जो मुलजिमा को अच्छी तरह जानता है, सुखदेव। तुम इस लड़की को जानते हो?
क्या साहब, इसको तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ पर से किस लड़की को भागते हुए देखा है? हाँ देखा ना, उस तरफ गई है। उस तरफ? जी हाँ। खतरा टल गया है, बाहर आ सकती हो। कहाँ जा रही हो? वापस उसी कीचड़ में? अब ये कीचड़ ही मेरी तकदीर बन चुकी है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस कीचड़ से बाहर निकाल सकता हूँ। सेठ ने भी तेरे अंदर के टैलेंट को देख लिया। ये देख साला, बहुत मेहरबान है तेरे ऊपर, तेरे लिए फूल भेजे। रख तो। हाँ तो राकेश, फोटोग्राफ्स के लिए कब वक्त रखेंगे? अरे राधा, ये सब ठीक है, लेकिन वो रंजीत सेठ तेरे को मिलना चाहता है। मैं इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहती। तेरे को हो क्या गया? इस मामूली फोटो खींचने वाले ढक्कन के लिए तू उसको ठुकराएगी क्या? ए मिस्टर सुखदेव नाम है अपन का, और कसम धंधे की अपन पत्थर को भी हीरा बना देता है। और ये अपनी जुबान को लगाम दो, बात करने के मैनर्स सीखो। अभी अपन को अंग्रेजी में मैनेज भी सीखना पड़ेगा। है? हाँ। शानी बनती है। क्या समझते हैं आप कोई? रंजीत से राधा आने को तैयार थी, लेकिन वो पत्रकार छोड़े तब ना इंटरव्यू दे रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं। कह दिया ना मैंने प्रोग्राम न करने का फैसला कर लिया है। देख रानी, पागल मत बन, बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, अरे नोटों की बरसात होगी, और मैंने रंजीत सेठ को भी बुलाया है। सुखदेव क्यों परेशान करते हो मुझे? अब मैं कोई प्रोग्राम नहीं करूंगी, सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। गटर से उठाकर तुम्हें यहाँ तक मैं लाया हूँ, मैं एक पत्थर को तराश कर हीरा बनाया मैंने, समझती क्या हो तुम अपने आप को? आज ही तो पता चला है कि मैं जिंदा हूँ, इससे पहले तो एक चलती फिरती लाश थी। एक मामूली फोटोग्राफर के प्यार ने तुम्हें इतना बदल दिया है कि तुम अपने सुंदर भविष्य को ठुकरा रही हो, उस भविष्य को जो तुम्हें सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि इज्जत शौहरत सब कुछ दे सकता है। मेरा फैसला अटल है, अब तुम जा सकते हो। तुमने प्रोग्राम को नहीं बल्कि अपनी किस्मत को ठुकराया है, और इसका अंजाम सुखदेव, आई सेड गेट आउट, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। जाता हूँ रानी, जाता हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना, मैं नाम का सुखदेव जरूर हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ जो जाता है उसके सामने दुखों का पहाड़ खड़ा करने वाला शैतान बन जाता हूं, याद रख। अच्छा एक बात बताओ, रंजीत राय के खून के बारे में कुछ जानते हो? साहब अपन खून उनके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ अपन ने ही रानी को रंजीत राय से मिलाया था। हाँ। तो क्या रानी खून कर सकती है? क्या साहब, ये माल के लिए कुछ भी कर सकती है। योर विटनेस। No question. अदालत 17 तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। तुम डीके को उसकी जिम्मेदारी समझा रहे हो? मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि आप इस केस को इस तरह क्यों हैंडल कर रहे हो? शट अप। केस को किस तरह से हैंडल करना है तुम मुझे बता रहे हो? डीके को इस आज तक एक भी केस नहीं हारा। मैं अगर अब तक खामोश हूं, एक नहीं समझते कि इसमें भी मेरी कोई चाल होगी? चाल? हाँ, ये मत भूलो कि इस केस में मेरी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मेरी समझ में ये नहीं आता राकेश कि राधा मुझे रवि के बारे में बतलाती क्यों नहीं? अगर वो सचमुच बेकसूर है जैसे कि तुम मानते हो, तो उसे मुझे रवि के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं रवि के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन राधा, तुम्हें इस केस में निर्दोष साबित करने के लिए रवि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर रवि के बारे में बताने से मेरी जान बचती है तो मुझे फांसी मंजूर है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी।
डीके, अदालत में मैं भले तुम्हारे खिलाफ लड़ता हूं मगर अदालत के बाहर मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। शुक्रिया मेरे दोस्त, इस बात के लिए हम सचमुच आपके शुक्रगुजार हैं। अमा यार, शुक्रगुजार होने की क्या बात है, तुम सचमुच इसके काबिल हो और एक बात का तो मैंने पक्का इरादा कर लिया है। वो क्या भाई? देखिए, मेरी इकलौती बेटी शलाका दिल्ली में वकालत का फाइनल एग्जाम दे रही है, उसके बाद मैं चाहता हूं कि वो आपके साथ प्रैक्टिस करें। भाई इसमें एक खतरा है, और वो भी तुम्हें। मुझे? कैसा खतरा? अगर वो मेरी असिस्टेंट बन गई तो तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रोज झगड़ा करती रहेगी। अरे बाप रे, सक्सेना साहब के ऑफिस में जाने के लिए देर हो गई है, मैं चलता हूँ। ओके? अरे अरे अरे, ऐसे कैसे जाओगे? जीतने का एक मौका हमें भी तो दो। आज नहीं, फिर कभी। अगर मैं तुम्हें जाने ना दूं तो? देखो शलाका, तुम एक लॉ स्टूडेंट हो, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं एक लॉ स्टूडेंट होने के साथ साथ मशहूर वकील सक्सेना साहब का असिस्टेंट भी हूँ। और अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। और तुम्हें नहीं पता बार काउंसिल का एग्जाम पास करने के लिए कितनी मुश्किल से मुझे ये चांस मिला है। चांस तो उन्हें देना ही था, सक्सेना साहब पापा के दोस्त जो ठहरे। मजाक मत करो, मुझे जाना है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? जी देखिए, सक्सेना साहब अभी नहीं है, आप थोड़ी देर के बाद आ जाइए। जी उन्होंने ही हमें आपके सामने ये केस रखने को कहा है। फरमाइए। अजी इतनी जल्दी भी क्या है, बड़ी तारीफ सुनी थी जनाब की। जी जी देखिए, मुझे बहुत काम करना है, आपको जो भी कहना जल्दी कह दीजिए। हाँ लिखिए, मेरे जो वो है ना, वो ये वो क्या है? वो का मतलब नहीं समझते? अच्छा वो यानी कि आपके शौहर? अजी होने वाले शौहर कहिए, वो इतने बेदर्द है कि पूछो मत। देखिए ना, एक मैं हूँ, उन पे दिलो जान से फिदा हूँ, और एक वो, उन्हें तो काम से फुर्सत ही नहीं। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? जी आप खूबसूरत हैं या बदसूरत हैं ये मैं कैसे बता सकता हूँ, आफताब पे तो काली बदली छाई है ना। पहचान लिया। पहचान लिया। चुप, मुझे उल्लू बना रही थी। चलो उठो जाओ यहाँ से, मुझे एक डाइवोर्स केस की तैयारी करनी है। अरे जालिम, आज मेरा जन्मदिन है, आई मीन माय बर्थडे, यू नो, कम से कम आज के दिन तो ये मनोस्काम मत करो, आज तो दो दिलों को मिलाने की बात सोचो। अरे तुम समझती क्यों नहीं, मुझे काम करना है, चलो यहाँ से अभी चलो। तुमने लॉक किया ये? लॉक? चाबी दो। चाबी? चाबी, यू मीन की? शलाका देखो, मुझे बहुत काम करना है, प्लीज चाबी दे दो। हिम्मत है तो निकाल लो। शलाका प्लीज समझो, अगर मैंने पेपर्स टाइम पर तैयार नहीं किए तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा तो प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ चलोगे। शलाका प्लीज, अगर सक्सेना साहब आ गए तो। सर आप? हाँ मैं, दरवाजा बंद था इसलिए खिड़की से आना पड़ा। जी वो, जी जी क्या, ये सब क्या हो रहा है? सर कुछ नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? पेपर्स तैयार करने की। इस वक्त तुम्हारी ड्यूटी क्या है? क्या कर रहे हो? इस वक्त तुम्हारी ड्यूटी इसके साथ है। सर ये आप कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूँ। लेकिन पेपर्स का क्या होगा? अरे बाहर में गए पेपर्स, पेपर्स तो कल भी तैयार हो सकते हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। इश्क खुदा की शान है, उसकी इबादत है। यस अंकल, यू सो।
देर हो गई सर, नाराज हो रहे होंगे। नहीं, अभी तो वो अपने मूड में होंगे। तुम्हारा नाम क्या है? शंकर। एक जाम शंकर के नाम। इनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई। ये जिससे प्यार करते थे वो इन्हें छोड़ के चली गई। क्या है कि जवानी में हमने किसी से वादा किया था कि हम सिर्फ एक पैक पिएंगे। अब वादा भी निभाना है और गम को भुलाना भी है, इसलिए अलग अलग नाम से हम पी लेते हैं। कैसी रही है? अरे तुम लोग तो भीगे हुए हो। जाओ हमारे कमरे में जाओ और कपड़े बदल लो, जाओ। अरे सुनो शलाका, तुम्हारे डैडी का फोन आया था, उन्हें फोन करना भूलना मत है, जाओ। हेलो। हेलो पापा। हेलो शलाका बेटी। अरे भाई मैं तो सुबह से तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे, many happy returns of the day. Thank you, papa. एक जाम तुम्हारे पापा के नाम। पापा सिर्फ हैप्पी बर्थडे कहने से काम नहीं चलेगा, आज खुशी के मौके पे मुझे एक गिफ्ट चाहिए। अरे भाई तुम वहाँ हो और मैं यहाँ हूँ, गिफ्ट लेने के लिए कम से कम सामने तो होना चाहिए। पापा मेरा गिफ्ट मेरे सामने है। अच्छा शंकर की बात कर रही हो। You creep! How did you know? अरे बेटी तुम्हारा बाप एक नामचीन वकील है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये लीजिए शंकर से बात कीजिए। हाँ हाँ बात करो ना। हेलो हेलो हेलो, तुम इतने घबरा के बात क्यों कर रहे हो? अरे भाई हमें अपनी बेटी की पसंद एकदम पसंद है। थैंक यू सर जी, एक मिनट। थैंक यू पापा। यू आर वेलकम वेलकम। आई लव यू। अरे गणेश दो पेप्सी भेजना है। अरे रामो जी साहब को दो पेप्सी दे। जी अच्छा। वाव एक्सक्यूज मी मैडम, आज मेरे दोस्त प्यारे की बर्थडे पार्टी है, क्या आप तशरीफ ला सकती हैं? क्या इरादा है? इरादा तो नेक है और किसी का दिल भी दुखाना नहीं चाहिए ना। आदमी समझदार लगते हो। दिमाग से समझदार और शरीर से दमदार मर्द की निशानी है। हाय हाय, कहिए आप सबकी मैं क्या सेवा करूं? मैडम सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं, आप सिर्फ हमारे साथ डांस कीजिए डांस। माय डियर मी, हूज गोना बी माय पार्टनर? हम सब। रियली? ओए पंजाबी भंगड़ा, और पूरे 2 साल का एक्सपीरियंस है हमको कुड़िए। मतलब मराठी लावणी पाहिजे, 1 2 3 और मैं 7 ब्रेक डांस।
रॉक एंड रोल एंड रैप आई एम इंडियन माइकल जैक्सन। ओके ओके ठहरिए वो क्या है कि मेरी डांस करने की स्टाइल कुछ फ्री है, आई मीन फ्री स्टाइल। क्यों मजा आया? नहीं पीछे पीछे क्यों बे? भांगड़ा करेगा हाँ, डांस करेगा हाँ, हाँ अबे कर तेरी तो। क्यों बे माइकल जैक्सन, कहाँ गया तेरा एक्शन? बहुत नाचने का शौक है ना, चल नाच नाच नाच। अजी साहब मेरा नुकसान कौन भरेगा? ये ले तेरे पैसे, बस 10 रुपए देख लूंगा साले तेरे। तुम लोग को इतनी भी शर्म नहीं? अपनी शक्ल तो देखो आईने में, फिर आकर बात करना।
जाने जा अब क्या करूं, आहे कब तक मैं भरूं। अनजाने सी प्यास है दिल पर मेरे पास है। Oh, come on, my sweetheart। अर जादू सी जगाती है, आती है बार बार। क्या? हिचकी, 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 हिचकी। ना कुछ दिया, ना कुछ लिया। बेटी शलाका। अरे भाई, ये तरीका होता है, कोई फोन नहीं किया, मैं अपनी गाड़ी भेज देता, मैं खुद आ जाता। नहीं, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी पापा। नॉटी गर्ल, नॉटी। नमस्ते। यू मस्ट बी शंकर। जी, जीते रहो बेटे, जीते रहो। वेलकम वेलकम। तुम्हारा बॉस बैरिस्टर सक्सेना मेरे बचपन का दोस्त है, वो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, लेकिन वो गलत नहीं कहता। सुमित्रा देवी, आप आइए, आइए। सुमित्रा जी, आप मेरी बेटी शलाका हैं। नमस्ते। और ये है शंकर, मेरे होने वाले दामाद। सुमित्रा जी, आप अंदर बैठे, मैं अभी आता हूं। जी। इनके पति रंजीत राय का खून एक कॉल गर्ल ने किया है, आज इनका बयान कोर्ट में लेना है, इसी सिलसिले में मुझसे मिलने आई है। अरे शलाका बेटी, अपने होने वाले पति की कुछ खातिर वातिर करो, मैं जरा इनसे मिलकर आता हूँ। जी। एक्सक्यूज मी। मेरे भावी पति महोदय, क्या सोच रहे हैं आप? वो औरत नहीं, एक नागिन होगी जिसने इस जैसी देवी का सुहाग उजाड़ा है। तुम तो बहुत सीरियस हो गए, चलो कम ऑन, कम ये लो, तुम कोई मैगजीन वैगजीन देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। ओके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शंकर, क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया इसे? ये शंकर कहाँ चला गया? पापा, मैं पेपर पढ़ रहा था, पता नहीं अचानक क्या हो गया उसे। तू कहाँ जा रही है? मैं अभी आई पापा। रवि, मेरे भाई। दीदी, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? जो कुछ तुमने देखा और सुना उसे भूल जाओ और चले जाओ यहाँ से। दीदी, क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं नहीं चाहती कि लोगों को ये पता चले कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। ऐसे मत कहो। अगर तुम जान गए हो तो ये भी जान गए होगे कि जब कोई औरत एक बार दलदल में गिर जाती है तो ना कोई रास्ता बचता है ना सहारा। कई कई दलदलों के पास पेड़ों की शाखाएं भी होती हैं, और उन्हीं शाखाओं के सारे लोग उस दलदल से बाहर निकलते हैं। क्या मैं आपके लिए उन पेड़ों की एक शाखा नहीं बन सकता? नहीं रवि, नहीं। आज तक आपने मेरे लिए क्या नहीं किया, और आज जब आपको सारे की जरूरत है, आप मुझसे पीछा छुड़ा रही हैं। दुनिया के सारे दर्द खुद झेलना चाहती हैं। ऐसी नाइंसाफी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। दीदी प्लीज, दीदी प्लीज, ऐसा ना कीजिए। मेरा जो फर्ज था वो मैंने पूरा किया, और फिर अब तुम समझदार हो। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे कलंक की परछाई भी तुम पर पड़े, वरना वरना मेरी जिंदगी पर हमेशा ये बोझ बना रहेगा कि जिस भाई के लिए मैंने सब कुछ किया, आज आज उसी की जिंदगी में ग्रहण लगा दिया। नहीं दीदी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर वादा करो
कि तुम किसी से नहीं कहोगे कि तुम मेरे भाई हो। तुम्हें भूलना होगा। नहीं नहीं नहीं। देखा देखा ये शब्द कैसे कांटों की तरह सीने में चुभते हैं। समाज में मेरा एक स्टेटस है, इज्जत है, और इस इज्जत को मैं कभी मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा, कभी नहीं। एक तरफ तुम्हारी बहन है और दूसरी तरफ शलाका जैसी होने वाली पत्नी। आखिर इसका भी तो फ्यूचर मुझे देखना है। लेकिन तुम्हारे अंदर एक बात देखी है मैंने, तुम्हें बड़ा वकील बनने से कोई नहीं रोक सकता शंकर, कोई नहीं। और फिर मैं तुम्हारे पीछे हूं, मैं तुम्हें इंग्लैंड भेजूंगा, दुनिया की महंगी से महंगी पढ़ाई कर सकते हो, शौहरत तुम्हारे कदम चूम सकती है। बेटे एक तरफ अंधकार है, कीचड़ है, दलदल है, और दूसरी तरफ सुनहरा भविष्य है, तुम्हारा सपना है। बस अब फैसला तुम्हें करना है। सुमित्रा देवी हाजिर हो। अरे देख, यही वो औरत है जिसके पति का खून हुआ है। कमेंट्री बंद कर, चुप बैठ, अभी केस चालू होने वाला है। सुमित्रा देवी, आपको यहां इसलिए बुलाया गया है कि मैं आपके दिल की हालत को समझता हूं। जिसे अदालत से कोसों दूर रहना चाहिए, आप जैसी खानदानी औरत को यहां आना पड़ा। लेकिन आपके पति का खून हुआ है और खूनी को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए आपकी गवाही और आपका बयान इस अदालत में जरूरी है। आपके और आपके पति रंजीत राय के संबंध कैसे थे? वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत। पता नहीं किसकी नजर लग गई, किसकी नजर लग गई। आपको कब पता चला कि आपके पति का इस औरत से संबंध है? इन दोनों की फोटो एक अखबार में छपी थी। मेरे पति किसी एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के लिए इसको अपने साथ लेके गए थे। फिर पापा आपके साथ में कौन है? बेटा ये किसी फंक्शन की तस्वीर है। अब देखो तुम्हें स्कूल में देर हो रही होगी, दूध पियो, यूनिफॉर्म पहनो और स्कूल जा। गुड गर्ल। पूछ रही है तो बता क्यों नहीं देते कि वो आपकी रखेल है? सुमित्रा, बच्ची के सामने ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म हमें नहीं, आपको आनी चाहिए, जो आज आपको अपनी ही औलाद से आंखें चुरानी पड़ रही हैं। सुमित्रा चिल्लाइए मत, मैं आपकी ब्याहता पत्नी हूँ, कोई रखेल नहीं। चलो बेबी, तुम्हें स्कूल जाना है ना, देरी हो रही है, चलो। बच्ची के सामने तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? अगर ऐसी ऊंची गर्दन थी तो ऐसी नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी? ये तो बच्ची है, जब सारा जमाना इन तस्वीरों को देखकर थुथु करेगा तो तुम्हारी सारी शान और शौकत और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारे संबंधों में तनाव आने लगा, हम दोनों एक छत के नीचे रहते हुए भी एक साथ नहीं थे। यानी कि आप दोनों के बीच में आग लगाने वाली ये औरत है। जिस रात मिस्टर राय का खून हुआ था, उस रात क्या हुआ? उस रात हम सब खाना खा रहे थे, हमारी बच्ची ने पूछा कि पापा क्या आप एक दूसरे को प्यार नहीं करते? ये सुन के मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए, शायद वो अपनी गलती पे पछता रहे थे। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा कि जिस औरत की वजह से हमारे घर में आग लगी है, मैं अभी अपने आदमी भेजकर उसे घर से निकलवा देता हूँ। मैंने उन्हें रोका और कहा कि वो भी एक औरत है, आप खुद जाइए, उसे कुछ पैसे देकर उसे घर से जाने के लिए कहिए। अगर मुझे क्या पता था
कि गुस्से में आकर ये औरत मेरे पति का खून कर देगी। मैंने खुद अपने पति को मौत के मुंह में धकेल दिया। Your witness, Mr. DK. No question. ये आप क्या कह रहे हैं डीके साहब? ये औरत इस केस की चीफ विटनेस है। इनका तो क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए और आप कहते हैं नो क्वेश्चंस। तुम जानते नहीं इस तरह कोर्ट के काम में दखल अंदाजी करने के जुर्म में तुम्हें सजा हो सकती है। माफ कीजिए जज साहब, मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक वकील हूँ, लेकिन डीके साहब के क्वेश्चन ना करने पर मैं अपने आप को रोक नहीं सका। नहीं। क्योंकि ये मेरी बहन है। सर मेरा नाम है रविशंकर। ये तुमने क्या किया रवि, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया? ये रही इस केस की फाइल। असल में मुझे खुशी होती अगर मैं तुम्हारी बहन को खून के इल्जाम से बचा पाता। खैर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी इस केस में जीत हो। गुड लक। थैंक यू सर। एक बात याद रखना, अगर कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो तो आने में मत हिचकिचाना। अच्छा चलता हूं। दीदी आपने मुझे वकील बनाया और आज अगर ये वकालत आपके काम नहीं आई तो मैं सारी जिंदगी तड़पता रहूंगा। अब ये केस मैं लड़ूंगा दीदी, प्लीज इस वकालतनामे पर साइन कर दीजिए। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? रवि मुझे तुम्हारे और राधा के बारे में बहुत गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर देना। नमस्ते। अब क्या लेने आए हो यहां? मैं जानता हूं कि इस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं। तो फिर यहां आने की जरूरत कैसे की? मैं अपना सूटकेस लेने आया हूं। बहाना अच्छा है। तुम्हारे सूटकेस में है ही क्या, चंद कपड़े? क्या कीमत है इनकी, 1,000, 2,000, 5,000? मैं अदा कर देता। माफी चाहता हूं सर, मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत दौलत है, मगर इस सूटकेस में जो चीज है उसकी कीमत आप तो क्या दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती नहीं अदा कर सकती। ऐसी कौन सी अनमोल चीज है इसमें? इसमें मेरी बहन के लिखे वो खत है जो मेरे लिए रामायण और गीता से भी कीमती है। आज मैं जो कुछ भी हूं इन खतों की वजह से हूं, इसलिए तो आप जैसे नामचीन वकील अपनी बेटी की शादी मुझसे कराने वाले थे। ऐसी कीमती चीज खरीदने के लिए आपकी तिजोरी की दौलत बहुत कम पड़ेगी। अरे इसे खरीदने के लिए तो कुबेर का खजाना भी कम पड़ेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब। शंकर, शंकर! मत लो उसका नाम। क्यों नहीं लूं? क्योंकि यह साबित हो गया है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। पापा अगर वो अपनी बहन को भरी अदालत में नहीं अपनाता तो मेरी नजरों से जरूर गिर जाता, लेकिन उसने आपके दिए हुए लालच को ठुकरा कर भाई बहन की पवित्र रिश्ते की लाज रखी। अब मेरी नजरों में ना सिर्फ उसके लिए इज्जत बढ़ी है बल्कि मान है मुझे उस पर। अब तक तो मैं उसे प्यार करती थी लेकिन अब मैं उसकी पूजा करूंगी। तुम कहां जा रही हो? शंकर के पास। पागल मत बनो, देखना लोग उसे नफरत से देखेंगे, उसका सोसाइटी में रहना मुश्किल हो जाएगा। शलाका उजालों को छोड़कर अंधेरों में मत जाओ। कम से कम मुझे इस बात का यकीन रहेगा कि शंकर का प्यार सच्चा है और अंधेरों में भी प्यार की किरण देख सकूंगी। सिर्फ प्यार जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है, मैं
मैं उसकी खूनी बच्चलन बहन को बांसी के तख्ते पर चढ़ाकर ही दम लूंगा। उसका करियर खत्म हो जाएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा, भीख मांगेगा वो, भीख। अगर भीख भी मांगनी पड़ी तो भी हम आपके दरवाजे पर नहीं आएंगे। राकेश, इस फाइल में तो एक बात का जिक्र ही नहीं। किस बात का? उस लिफाफे का जो खून होने से कुछ ही समय पहले रंजीत राय अपने साथ लाए थे। उस लिफाफे का तो पुलिस रिपोर्ट में भी कोई जिक्र नहीं। अगर हमें वो लिफाफा मिल जाए तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जिस जगह खून हुआ था वहाँ के कई फोटोग्राफ्स मेरे पास है, क्यों ना एनलार्ज करके उसमें देख लिया जाए। आई थिंक इज राइट। इस फोटो में भी वो लिफाफा कहीं नजर नहीं आ रहा। जरा मैं देखूं। देख, राकेश, लिफाफा नजर आया? नहीं, लेकिन यह साइड में एक बटन गिरा हुआ है, देख। बटन? मैं देखूं। ये बटन हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। वो कैसे? क्योंकि इसी बटन के जरिए हम उस खूनी तक पहुंच सकते हैं। हेलो सुखदेव, चार पांच दिन के लिए तुम कहीं गायब हो जाओ। अच्छा ठीक है, पांच छह दिन के लिए गायब हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे मेरा माल चाहिए। तुम्हें तुम्हारा माल मिल जाएगा। किसका फोन था? ये माल गायब, ये क्या चक्कर है? मानेगा, ये चक्कर होकर की बातें छोड़ो, बस इतना समझ लो कि कुछ ही दिनों में अपन मालामाल हो जाएगा। वो कैसे? कह दिया ना, ये सब मत पूछ। लेकिन मोनिका, पांच छह दिनों के लिए मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा बस। लेकिन तब तक अपन अकेले कैसे? अरे पगली, सिर्फ पांच छह दिन की तो बात है, उसके बाद माल मिल जाएगा और फिर सारी जिंदगी तो साथ गुजारना ही है। सच? और क्या? फिर तो अपन का सपना सच हो जाएगा। जरूर सच हो जाएगा। उसके बाद? उसके बाद आप उन दोनों शादी बनाएगा। सुखदेव अपने आप को बचाने के लिए कहीं गायब हो गया, लेकिन वो जा कहां सकता है? उसका मैंने पता लगा लिया है, वो इस समय रेड लाइट एरिया में है। तब तो हमें वहां जाना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग वहां जाएंगे कैसे? वो एरिया तो बहुत डेंजरस है। वहां हम नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगी। हम सभी साथ नहीं जा सकते, हमें देखकर वो वहां से भाग जाएगा। वहां तो सिर्फ मैं जाऊंगी।
निपुण के साथ चाल चल रही थी, हाँ? तेरी चाल ऐसी टेढ़ी कर दूंगा कि तू जिंदगी भर सीधी चाल चलना भूल जाएगी। इन मौके पर आ गए आप, आज तो मैं फंस ही गया था। इस दुनिया से क्या गया, अब उनका सुख चैन सब खत्म हो गया। मोनिका, वक्त की हर चीज गुलाम होती है, हम सब उसके आगे कठपुतली हैं। लेकिन कठपुतली ने जाने वाला गॉड कहीं खुश हो गया मैन? क्या वो गॉड ये नहीं जानता था कि जब अपन की जिंदगी कोठी के जहरीले झाड़ में फंस गई थी तो उसे निकालने वाला सिर्फ सुखदेव था। अपन का सुखदेव वो अपन से शादी बनाने वाला था। देख, कसम धंधे की है, अपन तेरे को बहुत प्यार करता है। सुखदेव, तुम अपन से इतना प्यार करता है, अपन तेरे से शादी बनाना चाहता है। तो अपन को बोला क्यों नहीं? क्योंकि बोलने से पहले अपन बहुत पैसा कमाना चाहता था ताकि अपन के बच्चे को उसके माँ बाप का नाम पता हो। इसलिए रानी को रंजीत सेठ के पास भेजकर बहुत माल कमाना चाहता था। लेकिन उस रानी पर राकेश का भूत सवार है। उनका सब कुछ छिन गया, सब कुछ। मोनिका, जो छिन गया वो तुम्हारा बीता हुआ कल था, मगर किसी का आने वाला कल तुम्हारी जरा सी मदद का मोहताज है। हाँ मोनिका, आपकी मदद से राधा की जिंदगी बच सकती है। अपन रानी की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन लेकिन सुखदेव अपन को कुछ नहीं बताया। हाँ, एक दिन एक फोटोग्राफर का फोन आया था। अरे ठीक है साहब, आप यहाँ? ओह, तो आप मुझे पहचानते हैं? पहले नहीं पहचानता था जब फोटोग्राफ ले रहा था, लेकिन अब, अरे अब तो आप मेरे लिए भगवान है। और फिर कुत्ते की नाक और फोटोग्राफर की आंख असली जालसाज को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। और ये आपकी तस्वीर मेरी तकदीर है, ये बैरल चेक है। ठीक है साहब, ब्लैकमेलिंग की सजा जानते हैं आप? ठीक है साहब, आप अपनी इज्जत की कीमत जानते हैं? वैसे मेरा हिसाब वाइट का होगा, समझे? नहीं समझे, इन फोटोग्राफ्स के नेगेटिव मेरे पास रहेंगे। अब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी एक साथ खा जाऊं तो बदहजमी हो जाएगी ना। मैं एक ही बार में तुझे इतना माल दूंगा कि तू जिंदगी फरायश करेगा। क्या हुआ? उस फोटोग्राफर का नाम राजकिशोर है, हाईवे के पास जो नेहरू नगर इंडस्ट्रियल एस्टेट है ना, हाँ, पांच नंबर के गाले में उसका स्टूडियो है। चलो चलो चलो। स्क्रैच का मजा ही अलग है। दूसरी भी है, दूसरी भी, दूसरी भी। ये ले। क्या कर रहा है? शराब पिला रहा है। राइट लो, राइट। एक बात तो समझ में आ गई कि रानी दीदी के बयान के मुताबिक रंजीत राय एक लिफाफा लेकर आया था और उस वक्त वो बहुत ही गुस्से में था। इसका मतलब ये है कि फोटोग्राफर से लिफाफा सुखदेव ने लिया होगा और फिर उसे लेकर रंजीत राय के पास गया होगा।
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उन तस्वीरों को देखकर रंजीत राय को गुस्सा क्यों आया। हो ना हो उन तस्वीरों में उसने अपनी पत्नी के साथ किसी गैर मर्द को देखा होगा। करेक्ट। ओह माय गॉड, अगर हमें कोई सुराग मिल सकता है तो वो सिर्फ रंजीत राय के घर से मिल सकता है। लेकिन लेकिन मिसेज राय तो हम दोनों को जानती है, और तुम्हें भी। वो मुझे नहीं पहचानेगी, मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, तुम वहां जाओ, और राकेश तुम लिफ्टमैन का पता करो। ठीक है, और आज विटनेस बॉक्स में मैं मिसेज राय को बुलाऊंगा। जज साहब आई एम सॉरी, सुमित्रा देवी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज यहाँ नहीं आ सकती, ये उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है। यू कैन प्रोसीड विद अदर विटनेसेस। जज साहब फिर मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मुलजिमा राधा रानी को एज अ विटनेस पेश करने की इजाजत दी जाए। तुम्हारा रवि अपनी बहन को विटनेस बॉक्स में बुलाकर उसे फांसी पर चढ़ाना चाहता है? नहीं पापा, वो देखिए जज साहब के पीछे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, और रवि इस सत्य को दुनिया के सामने रखना चाहता है। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आप ये बताइए कि जिस रात रंजीत राय का खून हुआ था उस रात क्या हुआ? उस रात सेठ जी जब मेरे पास आए तो वो बहुत गुस्से में थे। आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं, काफी परेशान लग रहे हैं। जब इंसान के विश्वास का गला घोट दिया जाए तो इंसान परेशान नहीं होगा तो क्या करेगा? क्या हुआ, क्या हुआ? जेब से दवा निकाल के दो। ये तो खाली है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। मैं अभी आती हूँ। मैं दवा लेने गई लेकिन मेडिकल स्टोर बंद था। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा किसी ने बड़ी बेदर्दी से सेठ जी का खून कर दिया था। योर ऑनर, ये सब मनगढ़ंत कहानी है जिसका कोई सबूत नहीं है और ना ही कोई चश्मदीद गवाह। लिफ्ट मैन के बयान से ये साफ जाहिर होता है कि उस रात कोई अंदर नहीं आया और ना ही कोई बाहर गया, और बाकी रहा वो लिफाफा जिसका आपने जिक्र किया है। योर ऑनर, मौकाए वारदात में हमें ऐसा कोई लिफाफा नहीं मिला। ए, कौन तू? सीधा अंदर को आता, तेरे को किसने छोड़ा रे? मैं पाड़ा जी, मैं टेलीफोन। तू क्या समझा रे, ये पब्लिक बूथ है क्या? यहाँ टेलीफोन टेलीफोन करने को नहीं होता। नहीं जी, आपकी लैंड खराब हो गई है। तो बड़ा स्पोर्ट मेल है सर, मेरी लाइन खराब हो गई क्या? दिखाओ तेरे को अभी। मतलब आपके टेलीफोन की लाइन खराब हो गई जी? मैं टेलीफोन का आदमी, सरकारी आदमी। फोन ऐसा वे मन ये आदि नहीं का सांगाई सर, पूरा टेलीफोन जा। ए खाली, बस खाली, फोन ठीक कर रहा है मुझे। मतलब नीचे को बैठ। ओ अच्छा, नीचे बैठ गया जी। लो जी नीचे बैठ गया। भाई तू घर में अकेली है क्या? क्यों, चल काम कर अपना। नहीं नहीं, वो मतलब ये है कि वो घर के जो मालिक है वो कहाँ है? मालिक? मालिक तो ऊपर गया। ऊपर? खून हो गया उसका। अरे बाप रे, खून? अब खून नहीं होगा तो और क्या होगा? नवरा नवरी में रोज का झगड़ा। नवरा नवरी मतलब पति पत्नी रोज झगड़ते। क्यों? चायला, अरे दोनों का भी लफड़ा था बाहर। अब झगड़ा नहीं होगा तो क्या गाना गाते? देख तू अपना काम कर जल्दी से, मेरे को अस्पताल जाने का। अस्पताल? अरे बच्ची के पास। बड़े लोगों का लफड़ा जैसा। एक दिन नवरा नवरी खूब झगड़े। जो कुछ भी किया मुझे उसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने खुलेआम किया, सबकी नजरों के सामने किया। लेकिन तेरी तरह बेहयाई नहीं की, अपना जमीर नहीं बेचा। है ही क्या तुम्हारे पास बेचने को, जमीर चरित्र? ये सब तो तुम्हारा एक ढोंग है, दिखावा है। और तू बड़ी चरित्रवान बनती है ना? ये देख तेरी असलियत, तेरे यार के साथ तेरी तस्वीरें जो तेरी बेहयाई की कहानी सुना रही है। इन्हीं तस्वीरों के सबूतों में तुझे तलाक दूंगा और आधा से शादी करूंगा। अब मेरी जायदाद में से तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैं सारी जायदाद राधा गुड्डी के नाम कर दूंगा। नहीं, तुम
ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। हट जा मेरे रास्ते से। नहीं। हट जा। क्यों? छुप छुप के हमारी बातें सुनती है? चल चल अंदर। छुप छुप के हमें देखती है? मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं देखा। जबान चलाती है? मुझसे जबान चलाई तो जबान काट के रख दूंगी। अंजी। लड़की डर के बेहोश हो गई, अब तो उसकी जबान भी चली गई। मालिक तो मर गया, भाई भाई दूसरा खसम कर लेगी, पर वो बच्ची सौतेली, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई ना। वो उस दिन वो नवरा नवरी में झगड़ा किस बात पे हुआ था? काहे को इंक्वायरी करता, चल काम कर। हाँ। अपना अपना काम तो हो गया है। किससे मिलना है आपको? गुड्डी। सॉरी, आप उससे नहीं मिल सकते। सर, हाँ, हम उसका मामा मामी है, कोलकाता से आया है, हम हाँ। उसको देखा करने को सकता है प्लीज? आई सी, आइए कम इन। गुड़िया, आमी तुम्हार मामा। आमी मामी? ये आपको पहचान नहीं सकती, इसे दिमागी सदमा पहुंचा है, ये अपने बोलने और समझने की शक्ति खो चुकी। लेकिन कब से ऐसी हालत में है ये? जिस दिन मिस्टर राय का खून हुआ उसी दिन से। डॉक्टर साहब, दरअसल गुड़िया को हुआ क्या है? ये तो ये ठीक हो जाए तो ही बता सकती। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, इसकी खोई जुबान किसी भी तरह वापस लाइए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये इसकी जिंदगी का सवाल है। किसी और की जिंदगी का भी सवाल है। आइए, आप चलकर मेरे ऑफिस में बैठिए। बॉय सुनो, देखो तुम 7 नंबर के कमरे में जाकर खटनील और सैनिपैक डालकर अच्छी तरह सफाई करो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। अब गुड्डी की तबीयत कैसी है? सो रही है अभी। अच्छा। अरे हाँ, अभी अभी उसके मामा मामी कलकत्ते से आए थे। मैं नहीं चला तो मत चलो, लेकिन मेरे जाने का बंदोबस्त प्लीज कर दो, वरना याद रखना कि मेरे हाथों से सिर्फ दौलत जाएगी लेकिन खून के जुर्म में तुम्हारी जिंदगी और इज्जत दोनों चली जाएंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर दूंगा। क्या कर रहे हो डीके? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम्हें दूसरे देश पहुंचाने जा रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? गाड़ी रोको। तुमने हमेशा मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज छीनी है, आज मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी ही छीन लूंगा। नहीं नहीं डीके, नहीं प्लीज, ये नहीं कर सकते तुम, डीके से नहीं कर सकते। हट मैं डीके, हट मैं, ये गाड़ी रोको इन माय फुट। खून है ये खून, राय साहब के खूनी तक पहुंचने के लिए सुमित्रा देवी एक खास सबूत थी, मगर अब ये सब क्या लेकर बैठा तू? ये मेरे बहन की प्यार की दास्तान है, जिसके पीछे ना जाने कितनी कुर्बानियां छुपी हैं। मुझे अपने से दूर हॉस्टल में रखकर मुझे हमेशा ये लिखती रही कि मेरी फिक्र मत करना, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है, मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। पिताजी के मरने से पहले मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी। रवि, राकेश,
बचपन में हम लोग बहुत खुश थे, मगर एक दिन बदकिस्मती ने हमें आता पहुंचा। हमारे माँ बाप गुजर गए, रिश्तेदारों ने हमें घर से बेघर कर दिया, दीदी ने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। लेकिन एक दिन मैं बहुत बीमार पड़ा और मेरे इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ी। दीदी मैनेजर के यहां पहुंची, खूबसूरती और जवानी एक गरीब औरत के लिए श्राप है। मुझे जिंदा रखने के लिए न जाने उन्हें कितनी रातें मरना पड़ा। मगर हालात ने उन्हें फिर एक सुनहरा मौका दिया कि तुम जैसे देवता उनके अतीत को भुलाकर उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए। मगर शादी की वेदी पर चढ़ने वाली मेरी बहन के रास्ते में मैं फिर एक बार आ गया। तो दुल्हन की तरह सजी हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम वही पुरानी रानी हो। तूफान आ गया, लगन का समय भी खत्म हो गया, अब बारिश भी आने वाली है, अब वो नहीं आएगी। इसलिए मेरी जिंदगी बनाने के लिए उन्होंने अपने उन सपनों को तोड़ डाला जो तुम्हारे साथ देखे थे और बन गई राय साहब की रखेल। काश मुझे इन बातों की पहली जानकारी होती तो पढ़ने के बजाय मैं किसी गली का गुंडा बन जाता। नहीं रवि। हाँ राकेश, हाँ, पढ़ लेकर क्या बन गया मैं? एक मजबूर वकील जो अपनी बहन को भी नहीं बचा पा रहा है। किस काम की है वकालत? नहीं चाहिए मुझे ये वकालत, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये वकालत।
कवाल लिफ्टमैन शलाका, वो झूठ बोल रहा था कि उस रात दीदी बिल्डिंग के बाहर नहीं गई थी, क्योंकि हम जानते हैं वो गई थी। तो फिर चलो, हमें उसका पता लगाना चाहिए। कोई फायदा नहीं, अब तक वो लिफ्टमैन अपने गांव तक पहुंच चुका होगा। डीके ने उसे नौकरी से निकाल दिया। डीके? हाँ, डीके ही उस बिल्डिंग का सेक्रेटरी है। उसे शक हो गया था कि लिफ्टमैन अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है, इसलिए उसे निकाल दिया। क्या डीके साहब का फ्लैट उसी फ्लोर पर नहीं जिस पर राय साहब का भी फ्लैट है? हाँ, फ्लैट तो उसी फ्लोर पे। हुक्म कीजिए साहब, आपको कहाँ जाना है हुजूर? ऊपर। ऊपर? अरे अभी आपने देखा है क्या हुजूर, जो आप जा रहे हैं ऊपर? अरे हमने सब कुछ देखा है, हम भी आपके साथ चलेंगे ऊपर। आदाब अर्ज़े आदाब हुजूर। वैसे आपको किसके यहाँ जाना है? डीके खन्ना साहब के यहाँ। डीके खन्ना? ओ, वकील साहब के यहाँ जाना है, यानी कि फ्लैट नंबर 4। हुजूर एक शेर याद आ गया, अरे 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। आदाब हुजूर। आदाब। शायर लगते हैं आप। अरे हुजूर, रोना तो यही है, लिफ्ट नहीं मिली, वरना लिफ्ट मैन की जगह शायर आजम होता हुजूर। आइए हुजूर, आइए आप, आइए आप। शायर तो नहीं बने, बहुत बड़े लिफ्ट मैन बनोगे। दाएं चले जाइए हुजूर। Thank you.
वेलकम मिस्टर राकेश, वेलकम। भाई मान गए कि पत्रकार समय के पाबंद होते हैं, आज मान गए, आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं। इस तरह अचानक बाहर क्यों गई थी? मुझे लगा किसी ने मुझे बुलाया है। मिस्टर राकेश, औरत एक पहेली है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। खैर छोड़ो इन बातों को, एक एक पहला चाय पीते हैं फिर इंटरव्यू। वैसे मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। सर आप अकेले हैं? जी हाँ, अभी तक बैचलर हूँ। क्या है बरखुरदार, ये औरत नाम की जो पहेली है ना, उसे मैं भी अभी तक नहीं समझ पाया। रवि, जिस दिन मैं डीके साहब का इंटरव्यू लेने गया था, मैंने उनके घर में सुमित्रा देवी की तस्वीर देखी थी। अब बात बिल्कुल साफ हो गई है। लेकिन इतने बड़े आदमी पर बिना कोई सबूत इल्जाम नहीं लगा सकते। इस जालसाज को पकड़ने के लिए हमें बहुत बड़ा जाल फैलाना होगा। मगर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? सर आप ही ने तो कहा था कि राजा को फांसी से बचाना आपके बाएं हाथ का खेल है। हाँ सर, आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे, आप ही कोई तरकीब सोचिए ना प्लीज। भाई तरकीब तो एक ही है कि खूनी पकड़ा जाए, मगर तुमने बहुत देर कर दी बरखुरदार। तरकीब तो ऊपर वाला निकाल ही देता है डीके साहब। यानी गुड्डी को होश आ गया है, डॉक्टर साहब कहते हैं कल तक बोलने लगेगी। इसका मतलब वो हमें खूनी तक पहुंचा सकती है। बिल्कुल, इस वक्त रूम नंबर 19 में आराम से बैठकर जूस पी रही है। तुम क्या समझते हो डीके, तुमने सारे सबूत मिटा दिए हैं? ये तुम्हारी भूल है, एक सबूत अभी तक बाकी है। याद है तुम्हें रंजीत राय की बेटी यानी सुमित्रा देवी की सौतेली बेटी, उसने तुम दोनों को कहां देखा था? ओ जी, सुमित्रा कितनी देर कर दी? पहले पति को प्लेन पे चढ़ाया, फिर बच्ची और नौकरानी को बीच में खेलने के लिए छोड़ा, अभी तो तुम्हारे पास आ पाई। हाँ, ए क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था सुमित्रा, अगर कुछ दिन तुम मेरा इंतजार कर लेती तो हमें इस तरह छुप छुप कर नहीं मिलना पड़ता। हरा बेबी पकड़ जल्दी मेरा बाल गुड्डी। मम्मी, उसकी गवाही अदालत जरूर मानेगी, लेकिन वो तो अस्पताल में अभी बेहोश है। लेकिन अभी वो मरी नहीं, जिंदा है, उसे कभी भी होश आ सकता है और उसकी गवाही तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा देगी। जी मैंने पुकारा। आप मुझे पहचानते हैं? अरे अच्छी तरह पहचानता हूँ, आपकी पूरी कुंडली खोल कर सकता हूँ। आप कहिए तो, आपने पहले क्या किया है, यहाँ पर क्या करने आए हैं, आगे क्या करेंगे, सब बता सकता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप, कौन है आप? नहीं पहचाना ना आपने मुझे? यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, माय लाफिंग फेस। लाफिंग फेस? अरे डीके साहब, मैं जर्नलिस्ट हसमुख, राकेश का दोस्त, एंड हसमुख मीन्स लाफिंग फेस। मैं यहाँ दोस्त को देखने आया था। अगर तुमने अपना ये हुलिया क्यों बदल लिया? डीके साहब, ये हमारा मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान? हाँ डीके साहब, मास्टर प्लान। खूनी बड़ा चालाक है, वो हर विटनेस को कोर्ट के अंदर पहुंचने से पहले ही ऊपर पहुंचा देता है। अब राय साहब की बच्ची सबसे बड़ा सबूत है। पहले वो कमरा नंबर 19 में थी, लेकिन हमने उसे निकाल कर कमरा नंबर 17 में डाल दिया, और अब 19 में रवि, राकेश और शलाका तीनों बैठे खूनी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही खूनी वहां पहुंचेगा, वो तीनों उस खूनी को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। सॉरी, कैसा लगा मास्टर प्लान? मास्टरपीस लेकिन थैंक यू, किसी को बताना मत। अरे ठीक है साहब, आप क्या मुझे इतना बेवकूफ समझते हैं?
सर जी, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा है, गुड यंग मैन, कीप इट अप। जी। अच्छा, मुझे सर जरूरी है, मैं चलता हूँ। ओके सर। क्या सुन रहे हो तुम? साले खड़ा खड़ा यहाँ हमारी बातें सुन रहा है? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं तुझे अंदर करवा दूंगा। साले मैं सीबीआई का आदमी हूँ, मैं मार मार के तेरा भुट्टा बना दूंगा। अरे भाई साहब, क्यों डांट रहे हैं इसे? ये तो बहरा है, सुनेगा तो न बोलेगा। इलाज कराने लाया हूँ इसे। वो कमरा अस्पताल के एकदम किनारे पर है, आसानी से तुम उस बच्ची का खून कर सकते हो। नहीं साहब, ये काम हमसे नहीं होगा। किसके सामने तुम ये सब बातें कर रहे हो? ये मत भूलो कि फांसी का फंदा काट कर मौत के जबड़े से तुम्हें निकालने वाला डीके तुम्हारे सामने खड़ा है। से धोखा करने का अंजाम सिर्फ मौत है। गिरफ्तार कर लो इसे। अरे वो टैक्सी वाले को पकड़ो। पुख्ता सबूत है कि सभी गवाह झूठे हैं। मिसाल के तौर पर मैं उस टैक्सी ड्राइवर से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है? हाँ तो मिस्टर सिंह, आपने उस लड़की का खून होते हुए अपनी आंखों से देखा? जी साहब। हाँ हाँ, आपने अपने बयान में बताया था कि जिस लड़की का खून हुआ उसके पीछे ये साहब पिस्तौल लेकर भाग रहे थे, और वो लड़की बदहवास होकर आगे आगे भाग रही थी, फिर इन्होंने अपने पिस्तौल से गोलियां चलाई और लड़की वहां गिर कर मर गई। जी। तो मैं पूछ सकता हूँ कि उस वक्त आप क्या कर रहे थे? जी मैं टैक्सी चला रहा था। किस स्पीड में टैक्सी थी? जी उस वक्त स्पीड, मैं पूछता हूँ स्पीड क्या थी? यही को 20-25 किलोमीटर। टैक्सी किस गियर में थी? टॉप गियर में। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, टॉप गियर और 20-25 की रफ्तार में टैक्सी चल ही नहीं सकती। अब मैं उस मुद्दे पर आना चाहूंगा जिस मुद्दे पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो पिस्तौल कहाँ है जिससे लीला का खून हुआ था? नहीं, इस अदालत में कोई पिस्तौल नहीं पेश की गई। इस गवाह की तरह पुलिस के द्वारा पेश किए गए सारे गवाह नकली हैं, झूठे हैं, सरासर बेबुनियाद हैं। क्योंकि सभी का कहना है कि उन्होंने मेरे मुवक्किल को लीला की पीठ पर गोली मारते हुए देखा, मगर यह बात गलत है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है पोस्टमार्टम की यह रिपोर्ट। इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ जाहिर है जज साहब की गोली लीला के सीने में घुसी और उसकी पीठ को चीरती हुई बाहर निकल गई। क्योंकि जब किसी को पिस्तौल की गोली लगती है तो जहां लगती है वहां छोटा सुराख हो जाता है, और जहां से वो बाहर निकलती है वहां बड़ा सुराख हो जाता है। और लीला के सीने में जज साहब छोटा सुराख है और पीठ पर बड़ा सुराख। इसका मतलब यह हुआ कि लीला को मेरे मुवक्किल ने नहीं बल्कि किसी और ने आगे से आकर उसके सीने पर गोली मारकर उसकी हत्या की है। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लीला का खून प्रताप सिंह ने नहीं किया, लिहाजा ये अदालत प्रताप सिंह को बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। भाई मान गए, डीके साहब का जवाब नहीं। अरे इतना ही नहीं, डीके साहब मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। साहब, आज हमारी जान बचाकर आपने हमें हमेशा के लिए अपना कर्जदार बना लिया है। हमारी जान आपके लिए हमेशा हाजिर है, आजमा कर देखिएगा। भूल गए तुमने क्या वचन दिया था मुझे? हमारे खून का एक एक कतरा आपके एक इशारे पर कुर्बान होने को तैयार है साहब। अगर उस मासूम की जिंदगी का कत्ल हमारे हाथों से नहीं हो सकता साहब, नहीं हो सकता। तुम्हें ये सब अपने हाथों से करने की कोई जरूरत नहीं, उसका कत्ल इन हाथों से होगा। तुम्हें सिर्फ किडनैप करके उसे मेरे हवाले करना है। ठीक है साहब,
आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुमको ये बताने आया था कि मुझे इस भेस में कोई नहीं पहचानता। पागल। साहब, साहब गजब हो गया। साहब, वो कुछ गुंडे बच्ची को उठाकर ले गए। चलो। क्या हो गया इस प्रताप को? कहीं ये पुलिस के हाथ तो नहीं लग गया? यस। बांद्रा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर शिंदे बोलता हूँ। यस इंस्पेक्टर, यस कहिए। जरा ज्योति बार का मालिक शेट्टी से बात कराना। यहाँ कोई शेट्टी वेटी नहीं रहता। मैं एडवोकेट डीके खन्ना बोल रहा हूँ। सॉरी डीके साहब, लगता है गलत नंबर लग गया। इट्स ऑल राइट। ये तो पता लग गया कि डीके घर पर है, लेकिन हमने बच्ची की जिंदगी खतरे में डाल दी है और बच्ची तक पहुँचने के लिए हमें डीके का पीछा करना पड़ेगा। कहाँ मर गया ये प्रताप? अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था उसका। Yes. डीके साहब, मैं प्रताप बोल रहा हूँ। अरे भाई प्रताप, तुम कहाँ हो? हम बच्चे को लेकर मडालन की सड़कों पे काफी देर से भटक रहे हैं। पुलिस की चारों तरफ नाकाबंदी है। हमारे लिए क्या आदेश है? तुम एक काम करो, बच्ची को प्रिंसेस होटल के पीछे के कब्रिस्तान में पहुंचा दो और मुझे मोबाइल पे फोन कर दो। मैं प्रिंसेस होटल एक फंक्शन में जा रहा हूँ चीफ गेस्ट बनकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस तरह से आप लोग झूठ को सच बनाकर और सच को झूठ बनाकर एक चोर को छोड़ के एक सन्यासी को सूली पर चढ़ा देते हैं, उसी तरह से आज जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। ये हम आपको छू मंत्र में पेश करेंगे।
गाड़ी रोको, गाड़ी को साइड में लगाओ, पांडो, गाड़ी को चेक करो, चेक द व्हीकल, चेक इट प्रॉपर्ली। गुड इवनिंग फादर। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफिसर? मिनिस्टर साहब पास होने वाले हैं, इसलिए नाकाबंदी लगाई है। ओके, शैल वी गो? नो प्रॉब्लम, जाने दो, हवलदार, गाड़ी जाने दो। चल चलिए साहब, किसी को शक भी नहीं हो सकता कि आप यहां हैं। बच्ची कहां? कहां गई बच्ची? जाओ ढूंढो उसे। को नहीं अपनी मौत को गले लगाया। बच्ची मेरी आखिरी गवाह थी, इसके साथ तुम भी ऊपर जाओगे। तूने अदालत में बड़े बेगुनाह मजलूमों को फांसी पर चढ़ाया, लेकिन तेरी सजा कानून की अदालत में नहीं, यहां इस मौत की अदालत में होगी। जिस बच्ची की आवाज के आने के डर से तू परेशान था, आज तेरी करतूत की वजह से उस बच्ची की आवाज वापस आ गई है। मगर इस आवाज को मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। डीके अपने नाम और शोहरत के लिए कुछ भी कर सकता है, मैं कोई सबूत अपने पीछे नहीं छोड़ता। ये कब्र जो मैंने बच्ची के लिए खोद रखी है, उसमें तुम तीनों के लिए काफी जगह है। मगर मरने से पहले ये भी सुन लो, राय साहब का मर्डर भी मैंने किया है।
जब तुम्हारी बहन राय साहब की दवाई के लिए गई, उसी वक्त मैं राय साहब के पास पहुंचा। दे दो मेरे फोटोग्राफ्स, ठीक है छोड़ दे, दे दो मुझे, ठीक है छोड़ दे मेरा हाथ। और उस कत्ल के इल्जाम में तुम्हारी बहन कानून के शिकंजे में फंसी हुई है। उसके बाद सुखदेव, वो फोटोग्राफर और अंत में अपनी प्रेमिका सुमित्रा का कत्ल भी मैंने ही किया है। मगर आज ये सारे राज तुम सब लोगों के साथ यहां मिट्टी में दफन हो जाएंगे। दफन हो जाएंगे। ओए, मैंने इस टेप रिकॉर्डर में तुम्हारा सारा इकबाले जुर्म रिकॉर्ड कर लिया है। अब कानून को और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। दीदी। अच्छा हुआ डीके, तूने पहले से ही अपने लिए जगह बनाकर रखी थी। ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए? बहू, तुम अपने घर आई हो। 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 आओ भाभी। हमें माफ नहीं करोगी बहू? हाँ दीदी, तुमने साबित कर दिया है कि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। तुमने आग में तपकर अपने खरा सोना होने का सबूत दिया है। अब तो पापा भी हमारी शादी से इनकार नहीं करेंगे। दीदी, क्या हुआ तुम्हें? आज मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। रवि, डॉक्टर बुला। नहीं, मैं ये खुशियों के पल खोना नहीं चाहती। आज मुझे सब कुछ मिल गया है। Yeah.